सो आज मैं बनाऊंगा ये और ये, या ट्राई करूंगा बनाने का, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही बड़ा फैन मॉब साइको का। पहले तो मैंने एंटमैन का क्वांटम रियल वाला बनाने का सोचा था जब उसका ट्रेलर आया था, और मैंने शूट भी कर लिया दोनों को एक साथ, और एंटमैन वाला पहले बना रहा था लेकिन वो ठीक से कुछ बना नहीं, तो देखेंगे बाद में, अभी बहुत कुछ है बनाने के लिए। सो मॉब साइको पर आते हैं। सो मैंने इसके लिए 2-3 सीन शूट कर लिए, स्टोरी बोर्ड वो सब नहीं किया, डायरेक्ट शूट कर लिया। सो स्टार्ट करते हैं इस सीन से। सो सबसे पहले मैंने मेरा ये बैकग्राउंड हटाया क्योंकि मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है ऑब्वियसली, सो मैंने विदाउट ग्रीन स्क्रीन शूट किया, और सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया और फिर बाद में इसे आउट कर देंगे कंपोजिट के टाइम पे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने ये Mia 2 ऐप का यूज किया। सो वेलकम। इस सीन को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड सिटीज, वो मैंने ढूंढ लिया, फिर लाइटनिंग, बहुत सारे लाइटनिंग्स आई गेस, और ये स्क्रिबल लाइन। सो मैंने ये सारी चीजें डाउनलोड कर लिया, और ब्लैक स्क्रिबल लाइटनिंग जो भी है वो मुझे नहीं मिला, सो मैंने वो क्रिएट किया स्क्रैच से। वेलकम टू ड्रॉइंग क्लासेस विद बाबा। सो हम इस पेंसिल को लेंगे और ऐसा टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ जैसे टेढ़ी मेढ़ी। फिर हम इसमें हीट वेव डालेंगे, हीट वेव इफेक्ट डालेंगे, और हो गया। सब चीजें डाउनलोड और क्रिएट करने के बाद मैंने इसको कंपोजिट कर दिया। सो बैकग्राउंड में मैंने ये सिटी का डाउनलोड किया था वो लगा दिया, फिर आगे ग्रीन स्क्रीन को लगा दिया, ग्रीन स्क्रीन को की आउट करने के बाद उसका एक्सपोजर और गामा सब कम कर दिया, एकदम ब्लैक ब्लैक पूरा, और फिर 2 सॉलिड व्हाइट कलर की आंखें डाल दी, और मेरे एजेस में जो ये रेड रेड टाइप कुछ आग की तरह दिख रहा है वो इफेक्ट के लिए मैंने ये क्या इफेक्ट नाम था उसका, सेबर एज इफेक्ट डाल दिया, ऐसा ही नाम है ना, हाँ शायद। लाइटनिंग सब डाल दिया और थोड़ा सेटिंग्स और इफेक्ट सब डालने के बाद फिर ये वाले शॉट की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका भी बैकग्राउंड ढूंढा, फिर मैंने उसको उठा लिया, और फिर कुछ पत्थर ढूंढे मतलब डाउनलोड कर लिया, और ये वाला बड़ा पत्थर मैंने क्रिएट किया खुद से, मतलब डाउनलोड करके एनिमेट करके वो सब मैंने खुद किया, क्योंकि मुझे नहीं मिला ये बड़ा वाला पत्थर, सो इसीलिए मैंने बनाया खुद से। और फिर कुछ पेपर, फायर, पार्टिकल्स, और ये कार का भी वीडियो डाउनलोड कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं कार को 3D में नहीं बना सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है ना, और ये फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है, तो इसे भी डाउनलोड करके बना लिया। और मेरा वाला शॉट को वही बैकग्राउंड हटाना, ग्रीन स्क्रीन किया, और ब्लैक एक्सपोजर और 2 आंखें डालना, वो सब सेम, बस कलर चेंज कर दिया इसमें, ब्लैक कर दिया इसमें रेड की जगह, और सब को कंपोजिट करके थोड़ा बहुत एनिमेट करके, ये फ्लोट होता है वो सब एनिमेट करके हो गया, और लाइटनिंग भी डाला इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं, और फिर एडिट करने के बाद ये रहा रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।